ये एक्चुअल पुराना वाला जो मंदिर है वो यही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आरवी राहुल। आई बिलीव यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। सो आज जा रहे हैं तारापीठ। मेरे साथ हैं पोचा, बापून और बादल। तो मैं अभी उन लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी बज रहा है 4:20, तो निकलना था 4 बजे। मैं अभी तो तैयार होके रेडी हूँ, वेट कर रहा हूँ। पहली बार लाइफ में ऐसा वेट कर रहा हूँ, वरना सब कोई मेरे लिए वेट करते थे। तो आज मैं उन लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे फिर निकलेंगे। चलो तो गाइज, हम लोग आ गए हैं पोचा के यहाँ। मैं और अम्बानी वेट कर रहे हैं एज यूजल। आज पोचा ने लेट किया, आज मैंने नहीं लेट किया। मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया है और बोसी चले गया है उसको हेल्प करने। वो अभी तक पैकिंग भी नहीं किया है, तो इसीलिए और भी ज़्यादा लेट हो रहा है। अभी बज रहा है 4:45, तो बज रहा है। मैं और अम्बानी खड़े हैं, थोड़ा सा सेल्फी वेल्फी लेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, मिलेंगे एक्शन गेम। तो भाई दोनों भाई का भी फुल है, फुल ये भी और ये भी। तो BTC बाइक फुल और ये भी फुल, तो और कोई स्टॉप होगा नहीं। चलो कौन से पेजेस? व्हाट अ कलरफुल आसमान ब्रो। तो आज प्लान ऐसा है कि सीधा यहाँ से जाएंगे शक्तिगढ़, और कहीं पर रुकने का कोई इरादा तो नहीं है। यहाँ से सीधा शक्तिगढ़ ही जाएंगे, ऐसा ही कुछ प्लान है। और शक्तिगढ़ तो फेमस है भाई लैंचा के लिए, तो लैंचा खाएंगे, ब्रेकफास्ट वहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर से निकलेंगे और सीधा वहाँ से जाएंगे बॉक्सेश्वर। तो पहले बॉक्सेश्वर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे। वहाँ पे सुना है कि एक गर्म पानी का तालाब है, तो पहले वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद वहाँ से सीधा चले जाएंगे तारापीठ। तारापीठ जहाँ पे होटल लिया गया है, वहाँ पे होटल पे घुस जाएंगे, मतलब चेक इन कर लेंगे, तो घुस थोड़ी ना जाएंगे। क्या ना खराब बकता रहता हूँ, तो ज़्यादा बक बक नहीं करता हूँ। तो फिर से कंप्लीटली फ्लाई ओवर। हेलमेट का इफेक्ट है। सो हम लोग आ गए हैं शक्तिगढ़। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। 5:17 को निकले थे और यहाँ पे पहुँच गए करीब 7:17, तो एग्जैक्टली 2 घंटा लगा है। ये लोग हो गया है बचा, अरे बचा बचा रहा हाजलेटिंग भाई। वो सीचे रही, ये टी शर्ट खरीदा है सिर्फ आज के लिए, इतना पैसा है इसके बाद। आज के डायलॉग एक्ट का जय तो गाइस बहुत देर के बाद रूम में घुस गए। तो मुंह का हालत तो देख सकते हो, ऐसा हो गया है। तो फ्रेश होते हैं, फिर जाके रूम दिखाते हैं। गाइस अभी खाने निकले और एक होटल मिल गया है, तो यहाँ पे आज पूरा वेज खाएंगे। अभी अभी से बहुत ही चले देख रहा है रात को क्या क्या खाएगा। तो गाइज अभी खाना खा के आ चुके हैं और अभी निकलना है पूजा देने के लिए। तो वहाँ पे तो कैमरा अलाउ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे किससे कांटेक्ट करना है, कहाँ जाना है, वो सब आके डिटेल्स में बताऊँगा। तो जुड़े रहो, बस बस जुड़े रहो, ठीक है। अभी मिलता हूँ। अभी हम लोग थोड़ा घूम रहे हैं,
खाना वाना जो है वो सब ऑर्डर कर दिया है, पोचा को भी खिला दिया है। यहाँ का शाम कुछ ऐसा होता है। ये रहेगा तो बस कब आपका पेंट उधर जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा। तो गाइस ये एक एक दुकान में घुस रहा है और पूछ रहा है कुछ कुछ ना कुछ उल्टा उल्टा पूछ रहा है और निकल के आ रहा है। तो गाइस बस यही है, यहाँ पे हवन हो रहा है और ये रहा जो तारापीठ का मेन अट्रैक्शन है महाशमशान, जहाँ पे अंत होता है हर इंसान का। बस एक चीता चल रहा है तो, और ये है जो सबसे पुराना वाला जो मंदिर है तारापीठ का, जहाँ पे एक्चुअल माँ का जो पैर आया था वो पैर गिरा था उसी, वो यही जगह पे है। और वहाँ पे जो है वो नया वाला है जो बाद में बनाया गया था। तो अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, तारापीठ के बारे में बहुत सारा ब्लॉग्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से अभी होटल जाएंगे और जाके फ्रेश व्रेश होएंगे और खाना वाना खाएंगे। अगर रात को निकलेंगे तो वो भी फुटेज आप लोगों को दिख जाएगा। तो अभी कुछ प्लान नहीं है, चलो होटल चलते हैं। सो गाइस कल सो गए थे एज यूजुअल, तो थोड़ा ज़्यादा ही टायर्ड थे तो इसीलिए सो गए थे। तो जो बात करना था, अरे दौड़ वीडियो कोटते थी, अरे चुप कर भाई वीडियो कोटते थी, चुप कर भी दो गाइस। अंदर तो चारों बात कर रहे हैं इसीलिए बाहर आए। बालों को इग्नोर करो, अभी अभी जस्ट धोया है, मतलब फ्रेश हुआ तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ इसीलिए। तो कल का जो एक्सपीरियंस था वो मैं यही बोलूँगा, अगर आपको एक बार देखने का इच्छा हो वहाँ को तो आप ज़रूर से जाओ, लाइन दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा तो उसको कांटेक्ट करो और जाओ। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा भाई, मैं गया था एक घंटा लाइन में खड़े होके, अंदर गया 3 सेकंड में मुझे बाहर निकाल लिया। कोई हाथ पकड़ खींच रहा है, कोई मतलब पीछे से धक्का दे रहा है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मेरा था। रात को शमशान गए थे, वो फुटेज ऑलरेडी देख चुके हो, और रात को नहीं निकले क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, जो बॉक्केसर नहीं गया था क्योंकि बॉक्केसर का रास्ता मुझे नहीं मालूम था और लेट भी हो रहा था, फिर भी हम लोग तो 1 बजे तक पहुंचे इसीलिए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, चलो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फॉर माय लवली पीपल, वर्क हार्ड, मेक इट बिग, लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट, टिल देन टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय, अडियोस अमिगोस, जय तारा, जय जय तारा। पहुंचा इधर।